जनपद बहराइच से बड़ी खबर। छोटी सी मासूम बच्ची से वैसे दरिंदे ने किया दुष्कर्म। इलाज के दौरान बच्ची की हुई मौत। इस दरिंदी को जितनी सजा मिल उतनी ही कम है। आपको अवगत कराया था हमने कि डेढ़ वर्ष की बच्ची को 35 वर्ष के व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसका इलाज बहराइच के जिला अस्पताल में चल रहा था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। निरीक्षक नानपारा द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 22/6/2021 को रात्र 1 बजे से 1:30 बजे तक के मध्य रात पतरैया गांव कोतवाली नानपारा के नाबालिग बच्ची पुत्री राम सहारे लोध उम्र 1.5 वर्ष के सोते समय परशुराम पुत्र मंगरे उम्र 30 वर्ष ने प्राथमिक विद्यालय में ले जाकर दुराचार किया। पीड़िता के पिता राम सहारे पुत्र देवराम के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त गिरफ्तार है। अभियुक्त के विरुद्ध NSA की कार्रवाई भी की जा रही है। पीड़ित के मेडिकल परीक्षण कराकर इलाज मेडिकल कॉलेज बहराइच में कराया जा रहा है। इलाज के दौरान पीड़िता के मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। गिरफ्तार सुधा अभियुक्त परशुराम उपरोक्त का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराकर माननीय न्यायालय रिमांड हेतु ले जाते समय जघन्यतम अपराध के अभियुक्त द्वारा पुलिस बल को चकमा देकर जंगल की ओर भागने का प्रयास किया गया। अभियुक्त को आत्मसमर्पण हेतु ललकारा गया, परंतु नहीं रुकने पर पहले हवाई फायरिंग की गई। फिर भी नहीं मानने पर अन्य कोई चारा न देख पुलिस द्वारा अभियुक्त के पैर में गोली मारकर पुनः हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के डॉक्टर परीक्षण कराकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज थाना नानपारा के ग्राम पतरैया में एक नाबालिग बच्ची के साथ गंभीर सेक्सुअल असॉल्ट की घटना हुई है। इसमें मौके पर तत्काल पहुंच करके पीड़िता को मेडिकल उपचार के लिए भेजा गया है। नामित अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जा रहा है। मामले में सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है, क्योंकि ये जघन्य प्रकृति की घटना है। इसमें नामित अभियुक्त के विरुद्ध NSA के तहत भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मायना करके इसमें शांति व्यवस्था और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। फखरापुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।